तो अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा पूरियों के साथ। इसके लिए सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसमें तकरीबन एक कप के बराबर ही मैं शुगर और जो मतलब हलवा बना रही हूँ वो एक कप के बराबर सूजी का ही बना रही हूँ, तो इसमें तकरीबन चीनी और घी भी उतना ही जाएगा एक कप के बराबर। इसमें मैं घी ले लूँगी, सूजी का हलवा घी में ही बनता है। घी गर्म हो चुके हैं, इसमें तकरीबन एक कप के बराबर मैं ये सूजी ऐड कर दूंगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, मैं इसमें कोई इतने लवाजमात नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे खुद इतना नहीं पसंद है और बच्चे भी नहीं मेरे खाते। तो इलायची पाउडर इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं इलायची की बजाय इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ, मुझे उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है लेकिन इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैंने काफ़ी देर से भून रही हूँ लेकिन यहाँ मैंने सोदिया में एक चीज़ देखी है, जो यहाँ पे सूजी मिलती है ना उसका कलर ही नहीं आता, उसको आप जितना मर्जी भून लो वो मतलब लाल इस तरह से सुरख होती ही नहीं। तो ये काफ़ी देर से अब मैं इसको भून रही हूँ, पता नहीं इसमें अब कब कलर आएगा। आई थिंक ये हो चुकी है। अब इसमें तकरीबन मैं ये एक कप के बराबर ब्राउन शुगर, मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्राउन शुगर पसंद है, तो आप चीनी डाल सकते हैं इसकी जगह। और मैं शीरा बना के नहीं यानी कि बना रही हलवा, मैं डायरेक्ट ही चीज़ें डाल के बना रही हूँ। कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, एक ही मतलब तरीका चेंज करने से या कुछ भी, मैंने दोनों तरीके से बना के देखा है तकरीबन बस सेम ही होता है, कोई इतना खास फर्क नहीं मतलब पड़ता। मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मैं मिक्स करके फिर इसमें मैं तकरीबन दो कप पानी, क्योंकि एक कप सूजी थी एक कप चीनी और फिर अब इसमें दो कप मैं पानी की ऐड कर दूँगी, फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये मैंने डाल एक कप और ये साथ में डाल दिए दो कप, इसको यहाँ पे बढ़िया प्याज के साथ मिक्स करना है क्योंकि यहाँ पे जलने का भी खतरा होता है, तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ ये आप कीजिएगा। और ये अभी क्या हुआ है, ये मेरी बेटी आई है किचन में और उसने आके जो है ना लाइट ऑफ कर दिया, देखिए जरा। तैयबा के साथ ना काम करना मेरा बहुत टफ हो जाता है, खास तौर पे ये व्लॉगिंग करना वीडियोस बनाना या कुछ, बहुत मुझे टाइम लगे एक छोटे से काम को करने के लिए भी मुझे इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है, उसको ऑटिज़म है तो मैं उसका ख्याल रखती हूँ ज़्यादातर, फिर उसकी उसकी जो सी नीड्स हैं वो भी फिर स्पेशल ही होती हैं, तो फिर इस तरह की उसकी हरकतें हमें झेलनी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि क्या उसके इस वक्त टेंट्रम जा रहे हैं या उसका मूड क्या है। मैडम प्लीज़ लाइट ऑन कर दो, वो इस वक्त बस ये चाह रही है कि मम्मा मुझे कुकिंग करने दें। कायना ने लाइट ऑन कर दी और इस वक्त आप देखें इसके हलवे की शक्ल, और ये तैयबा ने फिर लाइट ऑफ कर दी। तो बस मेरा तो घर में यही सारा दिन चलता रहता है। अब ये फाइनल इसकी लुक मैं ये बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये
तकरीबन बिल्कुल रेडी है और मैं इसका कलर जो है वो ओरिजिनल ही रखूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें येलो कलर ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। तो ये हलवा भी रेडी हो गया। आई होप कि आपको ये भी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोस। अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह नई नई वीडियोस और यूनिक वीडियोस मेरी कोशिश होगी मैं बना के आपके साथ शेयर करूं। ये रेडी है तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।